जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम दुर्लभ कश्यप के ऐसे खतरनाक चेले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने कि दुर्लभ कश्यप को अपशब्द बोलने पर दुश्मन का सिर काटकर थाने में ले जाने का प्लान बनाया था। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले बदमाश मिथिलेश का राधानगर में रहने वाले मोनू कश्यप से कुछ बात पर विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए मिथिलेश ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम द माइंड ब्लोइंग रखा गया और उस ग्रुप में शहर के बदमाशों को जोड़ा, जिसके बाद मिथिलेश ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप द माइंड ब्लोइंग से पूरे प्रदेश के हर शहर के बदमाशों से चैटिंग की और कहा सभी हथियार लेकर आओ और इंदौर शहर में आतंक मचाना है और मोनू कश्यप की हत्या करनी है। इस प्रकार ग्रुप में प्लानिंग बनाने लगी, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी साजिशें बनाई कि डकैती करने के बाद मोनू कश्यप की गर्दन काटकर थाने में पेश करनी है और इस ग्रुप में यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र के अन्य सभी गैंगस्टर शामिल थे। इतनी खतरनाक साजिशें की थी इन बदमाशों ने। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बदमाश कितने खतरनाक होंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर नज़र रखी और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और वारदात के पहले ही पांचों बदमाश गैंग का सरगना मिथिलेश, सन्नी उर्फ भैयू, मोनू उर्फ मनोज, राज और प्रदीप को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से देसी कट्टे, 3 चाकू, मोबाइल और कार जब्त की। आपको बता दें कि गैंग का सरगना मिथिलेश उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का साथी रहा है। वह दुर्लभ कश्यप से इतना प्रभावित था कि उसने सीने पर दुर्लभ कश्यप का टैटू भी गुदवा लिया था। दरअसल पूरा मामला ये था कि मिथिलेश का मोनू से विवाद हुआ था और मोनू ने उसको चांटा मार दिया था। मिथिलेश ने शर्ट का बटन खोलकर मोनू को दुर्लभ कश्यप का फोटो बताया और कहा कि वह दुर्लभ कश्यप का साथी है। मोनू ने गुस्से में दुर्लभ कश्यप को भी अपशब्द बोले और मिथिलेश को वहां से भगा दिया। इस प्रकार दुर्लभ कश्यप को अपशब्द बोलने और चांटा मारने पर इतनी बड़ी साजिश रची गई। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि ये लोग कितना शातिर बदमाश होंगे और कितना खतरनाक बदमाश होंगे। वैसे आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।